नमस्कार मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं आशा करता हूं आज मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किस की विषय के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं हाँ जी मैं मेनली आज राइस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए राइस राइट्रॉक को हम फिश फार्मिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका अच्छा से अच्छा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदा है तो इसके बाद ज़्यादा बिलिबिली डिस्कशन करेंगे इसके इसके इस्तेमाल से पहले हम थोड़ा इसके पिछले कुछ पुराना बातें याद कर लेते राइस स्ट्रोक से पहले कैसे करके फार्मिंग किया जाता था मछली का फार्मिंग एक्चुअली जो पुराना ज़माना होता था तो धान के खेती में मछली का फार्मिंग होता था तो उसमें मछली को क्या होता था मछली को जो फीड कहाँ से प्राप्त होता था मछली को फीड एक्चुअली जो राइस का जो जड़ होता है जड़ में उस टाइप में बहुत टाइप का कारोनोमेटिक बेंतोस केचुआ या बहुत टाइप का की कीड़ा वहाँ पर पैदा होता है जो मछली का हार के रूप में मछली ग्रहण करता था उसके बाद मैं जो धान का पौधे है धान के पौधे के शरीर में पानी के नीचे रहने के कारण उसके पौधे शरीर में, शरी में पेरीफाइटन एंड आ, काफी टाइप का काय जमा होता था जो मछली उसको आहार के रूप में लेता था बाद में क्या हुआ डे टू डे धान का खेती थोड़ा प्रोग्रेसिवल फार्मिंग में चला गया वो वहाँ पर ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज होना है आजकल पेस्टिसाइड यूज का जो मात्रा है ना वो धान के खेती में बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता वहाँ पर तीन एम यूज़ करने के लिए बोला गया वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते फिर मछली मरना शुरू हो जाता था इसके कारण आजकल धान के खेती में मछली का जो पालन है वो का चलन काफी कम हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ जगह पे बंगाल में है या आसाम साइड में अभी भी ये चीज़ हो रहा है ऐसे बात नहीं, नहीं हो रहा है लेकिन ये अच्छा प्रॉफिटेबल फार्मिंग होता था पहले क्योंकि धान भी मिलता था उसके साथ मछली भी एक आम, उनको एक अच्छा प्रॉफिट में मिल जाता था लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है तो उस धान जब पकने के बाद सूख जाता है सूख जाने के बाद उसका कटाई होने के बाद धान तो निकल लेते हैं लेकिन जो उसको पुआल बच जाता है तो पुआल के इस्तेमाल के लिए काफ़ी जगह पे मैं देखा उसको ऐसे जला दिया जाता है बंगाल में इसके इस्तेमाल है बंगाल में इसके इस्तेमाल ऐसे पशु आहार में भी किया जाता है इसको जब गर्मी टाइम पे हरा चारा नहीं मिलता है या नॉर्मल टाइम पे भी इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं जो पशु को अपना डाइजेस्ट करके वो अपना शरीर का जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा करते हैं तो या हम तालाब के अंदर भी राइस स्ट्रॉ को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक निर्धारित तो नाप होना चाहिए किसी भी चीज़ का तालाब में इस्तेमाल उसके एक अच्छा भी दिख है उसके बुरा भी दिखे चलिए इसके ब्रीफली डिस्कशन करेंगे वीडियो को स्किप मत करेगा बहुत बंदे क्या करता था वीडियो को स्किप कर देता है इसके कारण क्या होता है हमें समझ में नहीं आता हमने क्या बोला बाद में वही चीज़ उसने अपना तालाब के अंदर दे देते हैं सॉरी अपना कमेंट के अंदर लिखता है और उसी के भी जवाब में देता हूँ इसलिए कृपा करके आप लोग वीडियो को पोपा देखिए चलिए राइट्रो राइट्रो में हम लोग जब तालाब में देते हैं तो तालाब के अंदर क्या होता है तालाब के अंदर राइट देने के बाद तुरंत तालाब के अंदर एक उसके एक योले टाइप का पानी छोड़ता है जो न्यूट्रिशन समृद्ध है जो तालाब के अंदर जाते हैं हमें फाइटोप्लांकटन बनाने में वो बूस्टिंग का काम करता है फाइटोप्लांकटन बनाने में हेल्प करता है दूसरे साथ साथ उसी में जैसे पानी में जाएगा तुरंत पेरीफैटन जमा होता है पेरीफैटन बहुत ही आ, एक्टिव चीज़ है मतलब बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला चीज़ है जो मछली को बहुत अच्छा आहार है तो मछली आपने देखेंगे जहाँ पर हम पुआल डालेंगे उसके चारों साइड में मछली बिल्कुल इधर उधर घूम रहा है या उसी को खा रहा है जैसे कुछ दिन आप तालाब के अंदर राइस स्ट्रो सड़ना शुरू होता है जैसे ही वो थोड़ा सा थोड़ा सा सड़ना शुरू होता है तब तालाब के अंदर अगर ग्रास कप हो या जापानी पुटिए सर सौर पुटिए वो तुरंत उसको खाना शुरू कर देते हैं वो अगर आधा सा जैसे चार पाँच दिन हो गया थोड़ा सा आधा सड़ जाएगा तुरंत उसको हमारा जो तालाब के अंदर रोहू मछली है वो खाना शुरू कर देते हैं चलिए एक वीडियो क्लिप देखते हैं वीडियो क्लिप में आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी आपको मछली किस हिसाब से राइट्रॉ को खाता है बाद में इसका आगे का भी जो भी काम है मैं बताऊंगा। आपने देखा होगा किस हिसाब से मछली राइस ट्रॉ के अगल बगल में घूम रहे और उसके बड़े आनंद के साथ उसको उसको राय को के अगल बगल में या राइस ट्रोक के शरीर में जो पेरीफाइट है जमा हो रहा है या काई टाइप का जमा हो रहा है उसको भी वो बहुत चाप से खा रहे हैं आप खुद इसको डाल के देखिए आपको समझ में आ जाएगा हमारा फिश फार्मिंग में कितना हेल्पफुल है उसके बाद वो ज़्यादा जब फूल सड़ जाता है तो तालाब के नीचे जमा होता है और वो सड़ने के बाद वो उसको कतला अपना भोजन में लेता या दूसरे टाइप का जो हमारा साइफिनास या, या और भी काफ़ी मछली उसको भोजन के तरफ से ग्रहण करते हैं उसके बाद नीचे जब चला जाता है वो ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से हमारे तालाब के अंदर जमा होता है ऑर्गेनिक मैटर हमें तालाब के अंदर ऑलवेज ज़रूरत पड़ता है जो हमारा फाइटो या जू प्लानन को बढ़ाने में मदद करता है हमारा तालाब का स्टेबिलिटी को इनक्रीज करता है बहुत चीज़ है उसके बाद उस वो जो, जो नीचे जमा होता है जमा होने के बाद पर क्या होता है तालाब के अंदर कायोनोमेटिक जो जमा होता है जो केचुआ टाइप का प्राणी उसके अंदर जमा होगा वो मछली बड़े चाप से खाते हैं आप लोग एक बात बता दो जो कायोनोमेटिक अगर मछली को हार में में मिलते है उसके मैक्सिमम हिस्सा मछली के शरीर में डाइजेसेबल है और वो शरीर में लगता है बाकी जो प्राणी हैं उनके शरीर में जितना उसको बायोमास कन्वर्ट करेगा उससे बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कार्योनोमेटिक करते हैं इसी विषय के ऊपर तो डिस्कशन करेंगे अभी इस वीडियो में पहले एक एक न्यूज़ देना चाहता हूँ काफ़ी दिन से बंदे मेरे को ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बात कर रहा है अभी मैं जुलाई लगभग 10-15 से ऑनलाइन ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर रहा हूँ उसको अगर किसी बंदे को इच्छुक है तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो उसमें टोटल सिक्सटी सब्जेक्ट है वहाँ पर सिक्सटी सब्जेक्ट को ब्रीफली डिस्कशन करेंगे लगभग दो महीने का क्लास होगा अब लोग जो इच्छुक बंदे हो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मैं अपना जो प्रोग्राम चलाए हों फीस फार्मा को कैसे भी करके हो बेसिक चीज मैं उनको बताते रहूँगा कंटिन्यू बताते रहूँगा ये मेरा सिलसिला चला जाएगा बस सॉरी चलता रहेगा क्योंकि यूट्यूब पे यूट्यूब में जो भी मैं क्लिप बनाता हूँ ये छोटे से छोटे बनाना पड़ता है इसमें पूरे ब्रीफली डिस्कस नहीं किया जा सकता इसीलिए ट्रेनिंग का है जिनको अच्छा लगे वो लोग ज्वाइन हो सकते चलिए लिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अभी जो तालाब के और क्या-क्या -का काम करता है तालाब के जो टर्बुलिटी मतलब तालाब के अंदर जो मोटालिटी होता है जो हमारा घोलापन मतलब जो कीचड़ टाइप का तालाब हो जाता है वो बहुत हद तक हमारा राइस स्ट्रो कम करता है अगर राइस स्ट्रो तालाब के अंदर देंगे तो आप देखेंगे जो हमारा जो तालाब के अंदर मिट्टी जो जो सब्सटेंस मतलब जो पानी पे घूमता रहता है वो जब बढ़ जाता है तो भाई हमारा तालाब के अंदर एक घोलापन आ जाता है मतलब मोटा मोडालिटी मतलब तालाब थोड़ा तो किचड़ टाइप का दिखता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है उसके बाद मैंने पहले ही बताया वो बहुत जोधा जू पॉरी जमा बनाता है आपको तालाब के अंदर मतलब हमारा फाइटो बनाने में इंक्रीज करता है अगर इसको प्रोसेस करके दिया जाए अगर हमें अगर जो पुआल के बात कर रहा हूँ अगर इसको प्रोसेसिंग करें इसका काफ़ी प्रोसेसिंग फार्मूला है प्रोसेस करके दिया जाए तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हद तक बढ़ जाता है और मजली के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी हद तक बढ़ जाएगी इसके ऊपर ब्रीफली एक डिस्कशन करेंगे लेकिन काफी लंबा वीडियो होगा वो समझाने के लिए बहुत जरूरी है वो बहुत बारीकी से समझाने के लिए अगर बंदे लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं पक्का उसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा लेकिन ये जो मोटा मोटा बता रहा हूँ इनको थोड़ा पहले समझ जाइए उसके बाद क्या होता है तालाब के अंदर आ, आ, ये तो और सबसे बड़ी बात है इसका फायदा एक हमारा जो स्पॉन वाले फार्मिंग होता है स्पॉन वाले फार्मिंग में इतने सब बड़े फायदा होता है स्पॉन वाली फार्मिंग में हम लोग नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिक मेटर जैसे गोबर का खाद वगैरह पहले हम डाल नहीं पाते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कीड़े पैदा होते हैं वो तो कीड़े हमारा स्पॉन के लिए बहुत हानिकारक होता है तो हम बड़े तालाब में डाल सकते हैं लेकिन छोटे तालाब में डाल, डाल नहीं सकते लेकिन हमारे तालाब के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट पड़ता है इसलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में चूना डालते हैं उसके साथ अगर पार्ट तो पार डेसीमेल अगर हाफ किलो मतलब जो हमारा स्पोन वाला फार्मिंग है पर पार्ट डेसीमेल अगर हाफ किलो चार से पाँच ग्राम अगर मैं छिड़क दू पुआल तो आपको स्पोन फार्मिंग आप देखेंगे उनके स्पोन के जो लगने का चांसेस है ना वो काफी अधिक बढ़ जाएगा तो होता क्या बता देता हूँ एक तो स्पॉन के अंदर पहले अर्ली स्टेज में बहुत बारीक मात्रा में जूपलांगटन चाहिए तो बारीक मात्रा में भोजन चाहिए बारीक मात्रा में भोजन पेरी पैटर्न होता है पेरी पैटर्न बहुत बारीक होता है जो हमारा जो स्पॉन है ना उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है तो एक तो वो उसको खाने में मदद करता है अब देखेंगे अगर स्पॉन वाला फार्मिंग में ना आप अगर पुआल का छिड़काव करते हो तो पुआल देखेंगे न, उसके नीचे नीचे पूरे आपका स्पॉन घूमते हुए नजर आएगा एक तो एक हो गए उसको दूसरे बार शेल्टर मिलता है कभी कभी क्या होता है स्पॉन फार्मिंग में हम लोग ज़्यादा डीपली तालाब में गहरा पानी नहीं रखते तो गहरा पानी नहीं रखने के कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट हो जाता है तो मछली के स्पॉन को अगर अचानक हीट अप डाउन बहुत ज़्यादा हो तो बड़ा दिक्कत होता है तो हमारा अगर पुअल रहेंगे तो टेम्परेचर में, में मेंटेन होता है उसको अगर ज़्यादा हीट जितना जरूर है पुअल के नीचे आ जाएगा तो उससे बचाव हो सकता है तीसरे बात पुआल डालने के बाद हमें अनवॉन्टेड जो एलगी प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता तालाब के अंदर जो हमारा देखना एक रुईदार दार एलगी तालाब के अंदर जमा होता है स्पोन वाला फार्मिंग में सबसे ज्यादा है मैंने एक वीडियो में दिया है आप लोग उसको देख लेना वो क्या करता है मौत का कुआ है स्पोन के लिए वो आपको आ, मछली को उसके जाल में फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा उसका मौत होना ही होना है तो बहुत काम पे हम राइस स्ट्रो के इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद राइस स्ट्रो को अगर हम एज ए ऑर्गेनिक मटर भी तालाब में कर डाल सकते हैं एक महीने के लिए हम लोग 600 से 800 मैक्सिमम एक किलो तक पर महीने हम दे सकते हैं उससे ज़्यादा देना नहीं उससे ज़्यादा दोगे तो आपके तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है लेकिन आप कोशिश करना है इसको डालने से पहले चूने का डोज आपके तालाब में होना चाहिए अगर तालाब देखिए राइस स्ट्रो का जो प्रयोग मत है इसको गलत मत करिए ये पर मंथ आप लोगों को पाँच से आठ सौ किलो तक हम पर मंथ में दे सकते हैं आप इतना याद रखिए तालाब के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक मेटर हम लोग एक महीने में मैक्सिमम एक किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं मतलब यही होता है जब हम दूसरा ऑर्गेनिक मेटर देंगे तब राइस राइट्रोक इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर राइस स्ट्रो इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा दूसरा ऑर्गेनिक मेटर नहीं देते हैं और दूसरी बात रास्ट के साथ हम फाइटो को इंक्रीज करने के लिए अगर इसके साथ हम तालाब के अंदर सौ ग्राम डी 100 ग्राम 50 से 60 ग्राम हम यूरिया अगर 10 ग्राम एम ओ पी नॉर्मली हम तालाब में छिड़काव करते हैं तो बेहतरीन फाइटो बनता है जो आपने पहले तस्वीर में देखे होंगे और समझे गए होंगे मैं किस कैसे करके ये बन रहा है आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है बार बार मैं बता रहा हूँ प्रयोग मात्रा कभी भी गलत मत करिएगा इसको कम ज़्यादा करके तालाब को खुद चेक करिए आपको खुद समझ में आ जाएगा प्रयोग मात्रा को आप इंक्रीज कर सकते हो वो आपका तालाब के ऊपर डिपेंड करता है देखिए हर तालाब अलग अलग होता है हर तालाब का ज़रूरत अलग है तो उस हिसाब से आप इसको प्रयोग करिए मैं इसका काम क्या है कैसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं हमने इसको बताया प्रयोग मात्रा भी बता है बट इसको अब देख के काम करना क्योंकि किसी भी चीज का अति प्रयोग के कारण हमारा तालाब के अंदर बैड इफेक्ट भी हो सकता है अगर तालाब के अंदर आपका डीकोजर है तो इसका काम और बेहतरीन बन जाता है ये बहुत ज्यादा गलता भी है और हमारा तालाब के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को काफी मात्रा में बढ़ा देता है तो आशा करता हूँ मैं जो राइट्रो के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दिया वो आपको काफी हेल्प करेगा इसका प्रयोग मात्रा को भूलिए मत प्रयोग मात्रा सही करिए आप लोग कमेंट करके बताना और भी किसी विषय के ऊपर ब्रीफली डिस्कशन चाहिए तो मैं पक्का आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप में बताता रहूंगा मेरा काम है मैं जितना नॉलेज में गेन किया हो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको देने के लिए लेकिन बात आता है यूट्यूब में क्या है छोटे छोटे क्लिप बनाना पड़ता है चीज़ को ब्रीफली बताना भी जरूरी है क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा आप लोग को समझ में नहीं चीज शायद आपको पढ़ने भी मिलेगा लेकिन जब तक उसी चीज़ को अगर ब्रीफली डिस्कशन के साथ एग्जाम्पल नहीं बताया जाता है, तो आदमी को समझना मुश्किल होता है चलिए जो बंदे को मेरे चीज़ में फ़ायदा हो रहा है मेरे बात बताने में उनको जो फायदा मिल रहा है पक्का कमेंट करके बताना जिससे और भी दूसरे जो नेटिव एरिया से है उनको फायदा मिले क्योंकि उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे के तालाब के अंदर फार्मिंग करने के लिए तो मेरा उन्हीं बंदे से रिक्वेस्ट है जो बंदे मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सब्सक्राइब मतलब आप शेयर करिए शेयर करने से मैक्सिमम बंदे के पास जाएगा वीडियो तो उनको भी समझ में आएगा हम कम कॉस्ट में भी अच्छे से अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं और मेरे आ, बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पक्का बताना क्या होगा तो पक्का जवाब दूंगा अब लोग आप लोग किसी को लग रहा है मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो पक्का मेरे ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाइए आप लोगों को फिश फार्मिंग का बेसिक चीज़ बहुत बेहतरीन से समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। चलें नमस्कार जय हिंद